आपको पंडाल परिक्रमा करा रहा है घर बैठे, और घर बैठे इसलिए क्योंकि कोरोना काल है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हैं ताकि लाइफ सेविंग हो, क्योंकि ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है, और प्रशासन ने, सरकार ने इसलिए ये एहतियात बरता है, और आपको भी ये एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन एहतियात बरतते हुए आप चूक ना जाएं माता के दर्शन को, माँ की प्रतिमा कैसी बनी है, किस पंडाल में कैसी तस्वीर है, ये दिखाने के लिए न्यूज़ 11 निकल पड़ा है। आप घरों में रहिए, हम तो आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और हम यहाँ खड़े हैं। और सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि ये OCC क्लब कमेटी है, पूजा समिति है, लेकिन ये एक ऐसा शब्द, ये जो अक्षर है माँ और आ की मात्रा माँ, ये माँ शब्द दुनिया का आधार है। सृष्टि की संरचना अगर होती है तो सिर्फ यही एक शब्द है जो सृष्टि का आधार है। और अब हम आ पहुंचे हैं OCC क्लब में। ये देखिए, ये बोर्ड OCC क्लब पूजा कमेटी, और ये इसलिए यहाँ देखिए, अभी संध्या आरती का वक्त है, माँ की आरती हो रही है, और हम चाहेंगे कि ये आप देखें नज़ारा यहाँ पर किस तरह से। सबसे पहले ये माँ, इस शब्द, ये शब्द दुनिया का आधार, जीवन का आधार, सृष्टि का आधार। और अब आपको पंडाल की तस्वीरें दिखाते हैं। ये ढाक जो बजता है जब, ये दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा उत्साह जो है वो, और ये एक्साइटमेंट और दोगुना हो जाता है जब ये ढाक की आवाज़ सुनाई देती है तो। और ये प्रतिमा देखिए, ये OCC क्लब पूजा कमेटी की, कमेटी का ये पंडाल, और सजावट उतनी ही खूबसूरत, माँ की प्रतिमा में वही भव्यता और वही आभा जो ये आशीर्वाद दे रही है कि सब मंगल होगा, सब अच्छा होगा। देखिए, जो सीमित संसाधनों में और गाइडलाइंस को देखते हुए जो सजावट की गई है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, और ये एक ऐसा लग रहा है मानो हम माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं, और आशीर्वाद दे रही हैं माता महिषासुर मर्दिनी, एक वही आभा, वही तेज चेहरे पर जो ये बता रही है कि इस संकट से विश्व को बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है, और माँ इसीलिए तो आई हैं इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए, कि वापस वो वक्त आएगा जब सब मिलकर माँ की आराधना करते हैं, और वो वक्त बहुत जल्द लौट कर आने वाला है। ये साल ऐसा है कि ख़ुद को बचाना ज़रूरी है, और माँ आई हैं सबको बचाने, और ये उम्मीद है माँ से, माँ आशीर्वाद देंगी और सभी को इस कोरोना से मुक्ति दिलाएंगी, तो अगले साल और भव्य तरीके से माँ की आराधना, माँ की पूजा होगी। ये उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो हर इंसान को ज़िंदा रखता है, एक उम्मीद ही तो है जिस पर पूरी दुनिया टिकी होती है, और जब माँ का आशीर्वाद साथ हो फिर तो चिंता करना ही बेकार है। अभी हम जहां पर खड़े हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जगह, ये अवसर जो दशहरा है, ये तस्वीरें देखकर आप सोच सकते हैं कि ये वही रातू रोड का एरिया है जहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान पैर रखने की जगह तक नहीं होती है। लेकिन अभी देखिए ये तस्वीरें, मैं चाहूँगी कि ये एक बार कैमरा पैन कर कौशल आप दिखाएं कि इस बार क्या नज़ारा है, और हर बार क्या नज़ारा होता है यहाँ पर, कोरोना ने क्या कुछ बदला है ये बताया रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं। सब कुछ आम दिनों की तरह है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं, मंदिर के दर्शन के लिए, मंदिर में माँ के दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर कुछ बदला है तो ये कि ना तो पहले जैसी भीड़ है यहाँ पर, और ना ही कोई मेला ना समारोह। क्यों? क्योंकि इस बार गाइडलाइंस हैं कि पंडाल बड़े नहीं बनाए जाने हैं, मूर्ति की ऊंचाई भी कम रखी जानी है, कि तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आपको हम दिखाते हैं, हम ये RR स्पोर्टिंग क्लब यहाँ पर प्रतिमा स्थापित करता है, यहाँ पर पंडाल बनाया जाता है, लेकिन इस बार माँ की प्रतिमा इस तरह बनाई गई है, माँ यहाँ विराजमान है, श्रद्धालु पहुंचे हैं यहाँ पर। और ये
यहाँ पे आरआर स्पोर्टिंग क्लब हर बार बहुत भव्य तरीके से पंडाल बनाता था, लेकिन इस बार ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया है। तो ये चेंज कैसा लग रहा है, क्या कामना मास है? कोविड को लेके बहुत ही अच्छा माहौल है। सबसे पहले कोविड को ही हराना है ना, उसके बाद दूसरा और भी काम करना होगा। माँ से क्या मांगता है? माँ से मांगता हूँ कि हमारे देश में कोविड एकदम फ्री हो जाए। हाँ देखिए, ये सबकी कामना है, एक नहीं जो भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं सबकी कामना है कि कोविड हारे, कोविड का संहार हो। ये पूरी फैमिली लग रही है यहाँ पर। एक मिनट मैडम रुकिए, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। ऐसा लग रहा मेला घूमने ही निकले, मेला तो है नहीं इस बार। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लगा, उतना अच्छा नहीं लगा पहले जैसा, लेकिन तब भी ठीक लगा है, सिंपल सा है और बहुत अच्छा। बहुत शानदार, इस बार भी बहुत अच्छा है, सिंपल में ही बहुत अच्छा है। माँ से मैं अगले साल से ऐसा नहीं हूँ, अगले से जैसे होता है उसी तरह हो, बहुत अच्छे से हो। हाँ, कोरोना वोना खत्म हो, बहुत अच्छा। आप क्या चाहती हैं, आप अपने बच्चों को लेके आई हैं, माँ से क्या विनती की आपने? माँ से विनती यही कर रहे हैं कि कोरोना दुनिया से चला जाए, कोरोना दुनिया से चला जाए। हाँ, जैसे पहले था वैसा ही हम लोग बेला तेला सब कुछ घूमे, कुछ नहीं यहाँ पर, जहाँ तहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। इस साल जैसा फिर दोबारा दशहरा नहीं हो, मतलब हर साल होता था। आप मास्क लगाइए, जो खुशी थी पहले जो, इस बार नहीं मिली दुर्गा माता से, नहीं तो हर साल इतना आनंद आता था, हर पूजा पाठ बहुत अच्छा रौनक रहती थी। इस बार बच्चा लोग भी मायूस हो गया, इन्हीं लोग के मन रखने के लिए थोड़ा बहुत आदमी निकला हुआ है, बस बच्चे लोग का मन है। ऐसा फिर महामारी किसी साल नहीं आए। हाँ हाँ, बस यही दुआ है हम लोग, यही मांग है। महिलाएं उनसे भी बात कर लेते हैं, ये देखती हूँ मैं। मेला नहीं है, समारोह नहीं है, माँ जो खुशी से दे दे वही। पिछले बार की जनता इस बार कुछ है नहीं, नहीं। फिर भी कोरोना वायरस की वजह से हम ही लोग को थोड़ा संभाल कर चलना पड़ेगा, और क्या करें। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। माँ का आशीर्वाद चाह रहा है कोरोना वायरस चल जाए, सब अच्छा से रहे, पूरा दुनिया बने। नहीं मजा नहीं, तो बेटी दामाद सब तो दामाद है। अच्छा सर, ये बताइए, देखिए कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया, चेंज हो गई सारी चीजें, बहुत कुछ बदला। ये बदलाव अच्छा है इस सेंस में कि लोगों को जीना सिखा गया कोरोना, लेकिन माँ से क्या कामना? माँ से बस एक ही बोलना है, एक ही चीज बोलना है कि सब ठीक रहे, अच्छी तरह से रहे, सब खुशी से रहे। अभी वायरस के कारण में हम लोग सब निकल नहीं पा रहे, तो थोड़ा तो बहुत कुछ ऐसा बात ही है कि हम लोग निकल नहीं पा रहे, फिर भी हम लोग निकले सिर्फ माँ के लिए, माँ को देखने के लिए, बस आशीर्वाद लेने के लिए। तो देखिए, माँ का आशीर्वाद लेने सब पहुँच रहे हैं, और सबकी एक ही कामना है कि माँ जल्द से जल्द कोरोना का संहार करें और वापस ये दुनिया खुशहाल हो, कोरोना मुक्त हो, और अगले साल भव्य तरीके से माँ की पूजा अर्चना की जाए। तो ये जितने भी लोग पहुंच रहे हैं, जो तस्वीरें हमने दिखाई आपको, सबकी यही एक कामना कि माँ जल्द से जल्द इस जो कोरोना रूपी जो राक्षस है इसका भी संहार करे, महिषासुर मर्दिनी कोरोना का भी वैसे ही वध करे और पूरे विश्व को इस संकट से उबारे। दर्शन को हर बार आती है यहाँ पर? हाँ, इस बार तो पंडाल नहीं बना है, कैसा लग रहा है? पंडाल नहीं बना है बट फिर भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है कि क्या कुछ बदला, कैसा लग रहा है कि इस बार नहीं बना पंडाल, मेला नहीं लगा? थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि दुर्गा पूजा यहाँ बहुत अच्छे से धूमधाम से मनता था, तो इस बार नहीं मन पाया है, जिसके कारण
हम लोग उतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे, बट जो भी है अच्छा एंजॉय नहीं कर पा रहे। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। और ये देखिए माँ की आरती के बाद ये ढाक की जो आवाज़ है, मैं हर बार ये कह रही हूँ कि यही तो है असली दुर्गा पूजा, ये आवाज़। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, ढाक की आवाज, वही उत्साह और वही एक अंदाज जिस तरह से दुर्गा पूजा, जिस चीज के लिए दुर्गा पूजा जानी जाती है। जी हाँ, ये ढाक की आवाज हमने सुनाई आपको, ये उत्साह अपने चरम पर है, एक उम्मीद एक आशा है, माँ से मनोकामना है कि सब कुछ जल्दी ठीक होगा। और ये एक LED स्क्रीन RR स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से यहाँ भी लगाया गया है। और ये LED स्क्रीन इसलिए नहीं कि आप यहाँ जो प्रतिमा स्थापित की गई है वहाँ माँ के दर्शन करें, बल्कि ये स्क्रीन इसलिए है ताकि आप पिछले साल की जो भव्यता थी, जो पिछले बार की भव्यता थी, आप उससे भी देख सकें कि कितनी बदल गई है इस बार तस्वीर। पिछले बार की ये तस्वीर देखिए और इस बार की तस्वीर देखिए, इस बार ये नज़ारा है और LED पर आप पिछले बार का नज़ारा देख सकते हैं। और ये सामने स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस बार माता रानी यहाँ विराजमान है, किसी भव्य पंडाल का निर्माण नहीं किया गया है, किसी तरह का यहाँ पर कोई अभी ट्रैफिक हैजल नहीं है, लोग आराम से आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये एक मनोकामना सभी के दिल में कि माँ जल्दी से सब कुछ मंगल करें। पंडाल परिक्रमा में हम आ पहुँचे हैं राजस्थान भद्र मंडल पंडाल में, और यहाँ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। गाइडलाइंस जो तय किए गए हैं उसके मुताबिक प्रतिमा बनाई गई है, और ये माँ की प्रतिमा हम आपको दिखाते हैं। माँ की प्रतिमा देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही कोरोना की वजह से सन्नाटा है, श्रद्धालुओं का आना थोड़ा कम है, इक्के दुक्के नज़र आएंगे, लेकिन आप ज़रा माँ की छवि पर नज़र डालिए, वो आभा और वो मुस्कुराता चेहरा ये संदेश हमें दे रहा है कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा और कोरोना ज़रूर भागेगा। जी हाँ, क्योंकि माँ आई हैं और कोरोना का संहार ज़रूर करेंगी, कोरोना का संहार होगा और फिर विश्व पहले जैसा मुस्कुराएगा, हंसेगा। ये छवि माँ की और ये मुस्कुराता चेहरा, आशीर्वाद माँ से कि माँ, हे महिषासुर मर्दिनी, इस कोरोना जैसे राक्षस का भी नाश करो और संसार को इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। और माँ ऐसे मानो ये कह रही हो कि ये आशीर्वाद है हमारा कि संसार कोरोना से जल्द ही मुक्त होगा और कोरोना का संहार माँ बहुत जल्द करेंगी और विश्व को इस त्रासदी से निजात दिलाएंगी। ये
ये प्रतिमा राजस्थान मित्र मंडल के पंडाल की। माँ की आंखें, ये दो नयन आशीर्वाद देते हुए, साथ ही ये बताते हुए कि चाहे कष्ट कितना भी बड़ा हो, चाहे दुनिया पर विपदा कितनी भी बड़ी आए, माँ सभी कष्टों को हरेंगी और सभी विपदा का नाश करेंगी। और यहाँ जो प्रतिमा बनाई गई है, आप देखिए, इस बार माँ महिषासुर का तो मर्दन कर ही रही हैं, साथ में कोरोना भी बनाया गया है, कोरोना का भी प्रारूप तैयार किया गया है, राक्षस के तौर पर माँ जिसका वध करती नजर आ रही हैं। और सभी जो श्रद्धालु हैं, सभी वो भी ये चाहते हैं कि माँ इसी तरह, महिषासुर मर्दिनी इसी तरह कोरोना का भी मर्दन करे और विश्व को इस त्रासदी से निजात दिलाए। आप देखिए, ये जो हरे रंग में कोरोना का प्रारूप तैयार किया गया है, एक तरफ माँ महिषासुर का मर्दन तो कर ही रही हैं, वध कर ही रही हैं, दूसरी तरफ कोरोना का भी वध हो रहा है। ये न्यूज़ 11 भारत की कोशिश है कि इस बार जिस तरह से जमावड़ा नहीं लगाना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही पंडाल में आने की इजाज़त दी गई है, अनुमति मिली है, ताकि 15 से ज़्यादा लोग आ नहीं सकते। और लोग भी देखिए बहुत समझदार हैं, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जिस कॉमन सेंस की बात हो रही है, जिस सिविक सेंस की बात हो रही है, कि अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो ये कोरोना ज़रूर भागेगा। राजस्थान मित्र मंडल ने एक और अच्छी पहल की है। एक तो आपको दिखाएं हम सामने तस्वीर कि यहाँ पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है, कि जो भी श्रद्धालु आएंगे वो अपने हाथ सैनिटाइज करें, मास्क जरूर पहने, इसका भी ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ एक LED भी लगाई गई है जो माँ की प्रतिमा अंदर स्थापित की गई है, क्योंकि एक वक्त के बाद जब गेट बंद हो जाएगा, श्रद्धालु जब यहाँ पर अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो गेट बंद होगा, तो जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे वो इस LED स्क्रीन पर भी माँ के दर्शन कर सकेंगे। ये व्यवस्था की है राजस्थान मित्र मंडल ने इस कोरोना काल को देखते हुए। ये जो डिजिटाइजेशन का दौर है, इसमें एक ये भी स्टेप, और ये राजस्थान मित्र मंडल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर माँ की प्रतिमा, माँ का दर्शन आप LED स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। और अभी हम आ पहुंचे हैं युवा विकास दुर्गा पूजा समिति पंडाल के पास। और ये देखिए, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है, ये बैनर्स पहले लगाया गया है, बहुत छोटा पंडाल बनाया गया है, जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसके हिसाब से इस पंडाल का निर्माण किया गया है। और सामने सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक बैनर लगाया गया है लोगों को ये बताने के लिए कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पूजा पंडाल में भीड़ ना लगाएं, कोरोना से बचे। देखिए, मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, और 2 गज की दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, सामाजिक दूरी की बात वो। और ये आप ये प्रारूप देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार की ओर से कोरोना को लेकर, वो पूरी तरह से फॉलो कराया जा रहा है। और ये सामने देखिए प्रतिमा जो है, छोटी प्रतिमा इसलिए क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करना है। और ये तस्वीर देखिए, पंडित जी जो वहाँ पर हैं, वो भी, उन्होंने भी मास्क लगा रखा है। और प्रतिमा भले ही, माँ की प्रतिमा भले ही छोटी हो, लेकिन माँ का हृदय उतना ही विशाल। दोनों हाथों से भरकर आशीर्वाद देने वाली माँ। और देखिए, सब कुछ पूजा का विधि विधान, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। कौशल, देखिए, एक चीज़ सबसे अच्छी है कि माँ का प्रारूप, देखिए यहाँ पर जो तय की गई हैं गाइडलाइंस, उसके हिसाब से प्रतिमा छोटी है, लेकिन भले ही प्रतिमा छोटी, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि माँ का आशीर्वाद लेना है, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और बैरिकेडिंग की गई है। आप, मैं चाहूँगी कौशल आप जरा दिखाएं, देखिए ये बैरिकेडिंग है ताकि श्रद्धालु दूर से ही माँ का आशीर्वाद लें, माँ का दर्शन करें, और माँ वहाँ से ही भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रही है। और ये कामना लेकर सभी पहुँच रहे हैं कि माँ कोरोना से जल्द निजात दिलाएं, मुक्ति दिलाएं। और ये तमाम गाइडलाइंस फॉलो करते हुए यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना की गई है लोगों को। और सबसे अच्छी चीज़, ये मैसेज दिया गया है, जो बाकी लोग हैं वो समझें
कि क्यों इस बार घर पर रहना ज़रूरी है, क्यों इस बार खुद को सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना ज़रूरी है। एक मैसेज, और ये मैसेज सबके लिए है, उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी जो पंडाल जा रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। तो आप घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 11 है ना आपके लिए, सारे पंडालों की परिक्रमा कर रहा है और आपको घर बैठे ये तमाम तस्वीरें भी दिखा रहा है। पंडाल परिक्रमा करते करते हम आप पहुँचे हैं हरमू रोड के सत्य अमर लोक पूजा पंडाल में, और ये पंडाल, इसकी भव्यता भी हर साल देखते बनती है, लेकिन इस बार कोरोना की नज़र यहाँ पर भी पड़ी। और देखें, यहाँ पर भी सन्नाटा, भीड़भाड़ नहीं नज़र आ रही है। इक्के दुक्के श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि उन्होंने मास्क लगाया हो, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस फॉलो किया जाए। चलिए आपको अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है वो कैसी है, और यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं किस कामना के साथ, हम भी साथ हो लिए होते हैं। और देखिए, ये पंडाल इस बार थोड़ा छोटा, क्योंकि इस बार गाइडलाइंस है, और गाइडलाइंस ये है कि पंडाल की जो ऊंचाई है वो भी कम रहेगी, प्रतिमा की ऊंचाई वो भी कम रहेगी। एक एक कर एक बैरिकेडिंग यहाँ पर भी है। पहले क्या होता था कि आप आराम से माँ के दरबार में जाके वहाँ पर माँ का दर्शन कर सकते थे, लेकिन अब आपको मंदिर के बाहर ही, यानी जो पंडाल में प्रतिमा स्थापित है उसके बाहर एक बैरिकेडिंग लगाई गई है। आपको वहीं पर खड़ा होना है और वहीं से माँ के दर्शन करने हैं, माँ का आशीर्वाद लेना है। और देखिए, फूलों से सजा ये माता रानी का दरबार बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। माँ का चेहरा, जो आभा जो सामने दिख रहा है, वो ये बता रहा है, एक उम्मीद जगा रहा है कि चिंता किसी बात की नहीं। कोरोना है तो क्या हुआ, मैं आई हूँ, संहार होगा कोरोना का भी, और कोरोना जरूर हारेगा और जिंदगी जीतेगी। और मैंने पहले भी कहा जब कि माँ एक शब्द ऐसा है जो जीवन का आधार है, और माँ ये एहसास दिलाने आई हैं, ये बताने आई हैं इस बार कि कोरोना का भी वध होगा, उसका भी संहार होगा। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सत्य अमर लोक पंडाल की। इस बार कोरोना ने ये भी सिखाया कि किस तरह जब आप प्रकृति के करीब होते हैं तो प्रकृति आपके करीब आती है, तो इस बात का भी ख्याल रखा गया है। और यही ये चीज़ हर पंडाल में हमने देखी कि हर जगह एक मैसेज देने की ये कोशिश की गई है कि आप प्रकृति के करीब रहें, प्रकृति आपको अपने पास ज़रूर बुलाएगी, और प्रकृति वो एहसास कराएगी कि आप जो इंसान है, अगर वो प्रकृति के नियमितों की इज्जत करता है, प्रकृति ने जो उसे बख्शा है, अगर वो उसे सहेजता है, तो प्रकृति भी उसके लिए है और उस जीवन को संरक्षित ज़रूर करती है। हमारी भी कामना एक माँ से उम्मीद इस बार कि माँ आशीर्वाद दें और इस कोरोना राक्षस का वध ज़रूर करें। पंडाल परिक्रमा के जरिए हमारी ये कोशिश कि आप घर पे बैठे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे जरिए आप तमाम पंडालों की तस्वीर देखते रहें और माँ का आशीर्वाद लेते रहें।